ड्रिफ्ट फिलोसफी में क्या कॉन्सेप्ट था कि एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर के अंदर अगर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया विद हेल्प ऑफ अ बैटरी, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ है पॉजिटिव से नेगेटिव, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जैसे ही मूव करेंगे तो रास्ते में या तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा, या अंदर जो एटम्स हैं, जो आयन बोल सकते हो पॉजिटिव न्यूक्लियस में पड़ा होगा और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन तो आखिरी शेल के निकले हैं लेकिन एटम वहीं पर पड़े हुए हैं, तो रास्ते में एटम के साथ भी कोलाइड कर सकता है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि मान लो आपका एक इलेक्ट्रॉन चला रेस्ट से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो एक्सलरेट हुआ, जब एक्सलरेट हुआ तो वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ी ही थी कि उसकी टक्कर हो गई। अब जब कोलिजन हुई तो ये गारंटी नहीं ना कि कोलिजन कब होगी, किसी की कोलिजन तो चलते ही होगी और किसी की कोलिजन थोड़ी देर में हुई, तो जितनी देर में कोलिजन होगी वेलोसिटी उस हिसाब से उतनी ही इंक्रीज होती जाएगी। तो कोलिजन अगर जल्दी हो रही है तो कोलिजन का टाइम कम है, कोलिजन लेट हो रही है कोलिजन का टाइम ज़्यादा है। अब जितनी देर में कोलिजन होगी वेलोसिटी उस हिसाब से बढ़ जाएगी, तो हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इसका मतलब सेम नहीं है, हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डिफरेंट है। तो हम लाखों वेलोसिटीज के साथ काम नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करते हैं इनकी एवरेज वेलोसिटी लेते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी को क्या नाम देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये हमने किया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी है, इसीलिए मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या किया, सभी वेलोसिटीज का एवरेज ले लिया। और फर्स्ट वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस at, वेयर t1 इज द टाइम ऑफ फर्स्ट कोलिजन, पहले इलेक्ट्रॉन जो टक्कर खा रहा है उसका टाइम t1 है, और ऐसी जो सेकेंड है वो u2 प्लस a2 इंटू t2, और ऐसी nth का ये वेलोसिटी है, राइट। तो कि क्योंकि टाइम सबका इसलिए डिफरेंट होगा, हर की कोलिजन डिफरेंट है, हमने कोलिजन तक का वेलोसिटी लेनी है बस। तो इसके अंदर एक्सेलरेशन करेक्शन है, एक्सेलरेशन वेक्टर, ये वेक्टर पुट करो, ये सब वेक्टर्स हैं, एक्सेलरेशन भी वेक्टर्स हैं। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन सबकी सेम है, क्यों सेम है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होती है वो क्या होती है, क्यू ई बाय एम। तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा, ई, क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई, इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई, पर साइन नेगेटिव लेना पड़ेगा, रीजन क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट है तो फोर्स ऑपोजिट एक्सपीरियंस होगी, एक्सेलरेशन ऑपोजिट होगी, इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमेशा ऑपोजिट होती है, राइट। तो वेक्टर जब लगता है साइन नेगेटिव भी लगता है, तो ये एक्सेलरेशन है जो सबके लिए सेम है, तो ए सबके लिए सेम है। इनिशियल यहां भी करेक्शन करो, वेक्टर सम सभी इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, जीरो, जीरो होता है। क्यों जीरो होता है, एक्चुअल में ये माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट से स्टार्ट हुए, लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन रेस्ट से स्टार्ट नहीं होते, एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा रैंडम मोशन में होता है, और रैंडम मोशन में आप कहोगे रैंडम मोशन में फिर तो करंट में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब वो एक वायर के अंदर किसी भी क्रॉस सेक्शन को राइट क्रॉस करता है तो लेफ्ट भी क्रॉस होने वाला कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन होता है, तो हर वक्त इतने इलेक्ट्रॉन राइट जा रहे हैं, उतने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट जा रहे हैं, तो राइट जाने वाले इलेक्ट्रॉन इधर का करंट जनरेट करते हैं और इधर जाने वाले इलेक्ट्रॉन इधर का करंट जनरेट करते हैं, तो नेट करंट जीरो हो जाता है। तो रैंडम मोशन में करंट तो कंट्रीब्यूशन होता है, पर क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट की वजह से नेट करंट जीरो माना जाता है, तो हम यही मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन सारे रेस्ट पे पड़े हुए हैं, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर सम क्या लेते हैं, जीरो, राइट। तो इस पूरी टर्म में ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो, और आपके पास क्या बचेगा, आपके पास ये बचाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब पहले इलेक्ट्रॉन का कोलिजन का टाइम t1 है, दूसरे का t2 है, nth का tn है, सबका डिफरेंट है। अब हम लाखों टाइम को तो हम जो है जो लाखों टाइम है इलेक्ट्रॉन के उनको तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम इसका भी क्या करते हैं, एवरेज टाइम ले लेते हैं, इन सबका एवरेज को लिखते हैं टाउ। तो वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट इज a इंटू टाउ, वेयर टाउ इज नोन एज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इसको रिलैक्सेशन टाइम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जब टक्कर मारेगा या कोलाइड करेगा आगे तो उसकी वेलोसिटी फाइनल जीरो हो जाएगी, वो रिलैक्स हो गया, वो फिर एक्सेलरेट करेगा, फिर भागेगा, फिर कोलाइड होगा, जब कोलिजन हो जाती है वो रिलैक्स हो जाता है, इसलिए इसका नाम है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो हर का टाइम नहीं निकाल सकते कोलिजन का, सबका एवरेज टाइम निकाल लिया, तो आपके पास ये टर्म आ गई। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, क्यू ई बाय एम, तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी मैंने बताया था, तो यहाँ पुट करेंगे विद साइन, तो ये फॉर्मूला बनेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर है यहां तक?
तो ड्रिफ्ट फिलोसिटी का ये फॉर्मूला फॉर्मूला बुकलेट में नोट करें, फॉर्मूला ड्रिफ्ट फिलोसिटी का फॉर्मूला माइनस ई बाई एम इंटू टाउ। तो लॉजिक इसमें क्या है, लॉजिक ये है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अलग अलग वेलोसिटी से मूव करते हैं, तो उनकी इतनी वेलोसिटीज को हम स्टडी नहीं कर पाएंगे, उनका एवरेज लेते हैं, उसको एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी का ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो दिस इज स्लो एंड स्टेडी वेलोसिटी ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर, जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी ये वेलोसिटी है, और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होती है। राइट, क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपने जो है ये याद करना है, ये पहला फॉर्मूला है। इसमें डेफिनेशन है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम की, शॉर्टेस्ट टाइम है फॉर विच फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करते हैं बिफोर इट अंडरगोज कोलिजन। तो कोलिजन तक का एक, जैसे पहली कोलिजन हुई उस इलेक्ट्रॉन की, उसका टाइम टी वन है, तो हम क्योंकि इतने टाइम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो एवरेज सभी कोलिजन का टाइम टाउ है, दिस इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर है यहाँ तक? तो ये है एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी।